परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज अम्बाला के गांव डेहर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान शिव परिवार हनुमान जी के भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर गांव वासियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 2024 में भाजपा की निश्चित जीत होगी। आज योग्यता के आधार पर पढ़े लिखे बच्चों को हरियाणा में नौकरी मिलती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण का काम समाज को दिशा देना है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया कि ब्राह्मणों की समस्याओं को जानने के लिए ब्राह्मण अयोग्य बनाया गया है। परिवहन मंत्री ने समाज से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें, ताकि योग्यता का लाभ लेकर वह नौकरी ले सकें और पढ़ लिख कर समाज को आगे बढ़ा सकें। मैं सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद करूंगा। 2024 का आने वाला चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की उनकी विनम्रता, उनकी योग्यता, मेरिट के आधार पर नौकरी देना और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे को आगे ले चलना कभी कल्पना में हुई थी कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था होगी और योग्यता के आधार पर प्रदेश में नौकरी मिलेंगी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति को कभी कल्पना में नहीं थी नौकरी मिलेंगी। 2024 का जो चुनाव होगा वो योग्यता के आधार पर होगा, मेरिट पर होगा, और आम व्यक्ति को जो रास्ता दिखाने का काम करा कि 2024 में प्रदेश से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो मेरे मित्र हैं, जो दल अभी कर रहे, सारे लोग वो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो जेलों में रह के आए हैं और जाने वाले हैं, एक सारे लोग हैं इस तरह के लोगों ने दल बना रहे हैं कि मोदी रोको अभियान, इस तरह के लोगों का एक अभियान शुरुआत हुआ है। मैं प्रदेश के तब से विश्वास लाता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से 7 बजे के बाद कोई टाइम नहीं है। 7:30 मेरा एक इतना बस हरियाणा हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद कि जितना तरीबन सौ का बेड़ा हमने शामिल किया है स्टेट में, और आज 5100 बस हमारे बेड़ों में शामिल है। चाहे कोई गाँव हो, शहर हो, हम कोई बाकी नहीं छोड़ेंगे, लोग हमें जानकारी देते हैं और जितनी बस हो, हम चाहे कॉलेज स्कूल हो या ग्रामीण हो, हम सब में बस चलाने का काम करेंगे कि हरियाणा पहली बार इतनी बस आई।